नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अब धीरे धीरे त्योहारों का मौसम आने वाला है और त्योहारों के सीजन में कई तरह की चीजें हम करते हैं, क्योंकि बाहर घूमने के लिए जाते हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे दशहरा होता है तो उस दौरान रामलीला का आयोजन भी होता है दिल्ली में, और दिल्ली की रामलीला काफ़ी फेमस भी है। इसके अलावा दिवाली भी आने वाली है, और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए DDMA की मीटिंग हुई है। दिल्ली के जो LG है उनकी अध्यक्षता में ही ये मीटिंग हुई है, अनिल बेजल की अध्यक्षता में। इस मीटिंग में आपको बता दें कि कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनके स्कूल कब से खुलेंगे इसको लेकर भी फैसला लिया गया है। और ये कहा गया है कि त्योहारों के बाद जो है वो छोटी क्लासेस के लिए स्कूल खोलने पर विचार होगा और फैसला लिया जाएगा। तब हालात जिस तरह से रहेंगे कोविड को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और इस बात की संभावना ज़्यादा है कि दिवाली के बाद जो छोटी क्लासेस हैं, खासकर 1st to 8th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल खुल जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी फैसला लिया गया है DDMA की मीटिंग में कि जो रामलीला होती है, जो तमाम त्यौहार दिल्ली में मनाए जाते हैं, उनको देखते हुए त्योहारों को मनाने के लिए पूरी तरह से छूट रहेगी। रामलीला भी होगी लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और आपको बता दें कि रामलीला के आयोजन को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो सरकार से भी मिला, और उन्होंने सरकार से इस बात की गुजारिश की कि बहुत लोगों का जो रोज़गार है वो रामलीला से जुड़ा हुआ है, ऐसे में उन्हें रामलीला के आयोजन की अनुमति मिलनी चाहिए। क्या कुछ उनकी डिमांड्स थी वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर लगभग 700 रामलीलाएं छोटी बड़ी हैं। इन 700 रामलीलाओं के अंदर हजारों लोग इसके अंदर काम करते हैं, और जब हजारों लोगों को इसके अंदर काम करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से दिल्ली का लोगों को काम के साथ साथ साल भर जो उनकी उम्मीदें होती है, उनकी आशा होती है कि हमें रोजगार मिलेगा, हमारी कुछ इनकम होगी, वो आशाएं खुलेंगी। कोविड का एक भयंकर रूप जो देखने को मिला, उस भयंकर रूप के बाद लोगों को ये आशा जग रही है कि दिल्ली वापस नॉर्मल होने जा रही है। आज माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन जी से हम मिले और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि DDMA की मीटिंग के अंदर आप अपनी बात रखेंगे। तो DDMA की जो मीटिंग हुई उसमें तमाम फैसले लिए गए, जिसमें प्रमुख बातें जो है फैसले की वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। उसमें फैसला लिया गया कि त्योहारों के बाद छोटी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए भी स्कूल खोले जा सकते हैं उस समय जो स्थिति रहेगी कोरोना की, उसको देखते हुए। इसके अलावा जो सोशल गैदरिंग होती है त्योहारों के सीजन में, उस पर फिलहाल ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा और कोरोना को देखते हुए तमाम जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखना होगा। ये तमाम बातें जो है वो DDMA के मीटिंग में सामने आई है। आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल दिल्ली में कोरोना की जो स्थिति है वो काफ़ी कंट्रोल में नज़र आ रही है, हालात जो हैं काफ़ी संभले हुए नज़र आ रहे हैं। जो संक्रमण दर है दिल्ली में वो भी 0.05 के ही करीब है ऐसे में। और पिछले काफ़ी वक्त से हमने देखा है कि दिल्ली में कोविड की वजह से किसी की जान नहीं गई है। आने वाले दिनों में ये खतरा और ना बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हर संभव प्रयास किया जाए। और क्योंकि तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में तीसरी लहर आ सकती है, तो उसको लेकर भी खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।